26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर भारतीय जाबाजों ने कारगिल पर जीत हासिल की थी। यह दिन हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन 26 जुलाई 2023 को भी पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा था। वहीं संतरा नगरी के एक लाल को इसी दिन अंतिम विदाई दी जा रही थी। वो वीर भारत माँ के सपूत थे, शहीद राजेश शाहू, जिनकी याद में आज सोमवार कोटा स्थित राजेश शाहू उद्यान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय राजेश शाहू मित्र परिवार द्वारा उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि दी गई। नागपुर के लाल ने देश की सुरक्षा में प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका धन्यवाद देते हुए शहीद राजेश साहू मित्र परिवार द्वारा शहीद राजेश साहू उद्यान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय शहीद राजेश साहू की प्रतिमा को माला अर्पित कर पुष्पांजलियों द्वारा उनकी स्मृति में जय हिंद के नारे लगाए गए। इस वक्त विचार प्रकट करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश साहू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता गिरीश पांडव ने विचार व्यक्त करते हुए शहीदों की महानता को याद किया। साथ ही साथ शहीद राजेश साहू को भारत माता का सच्चा सुपुत्र कहते हुए भावपूर्ण अभिवादन किया। कारगिल युद्ध के दौरान जैसा कि सोमारी क्वार्टर का एक लड़का उस युद्ध में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद होना एक सोमारी क्वार्टर के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। यह पूरे सोमारी क्वार्टर के साथ साथ पूरे नागपुर के गर्व की बात है। और प्रतिवर्ष शहीद कारगिल दिवस पर सभी लोग यहाँ जमा होकर के राजेश साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। आज यहाँ बस्ती के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, बाहर के भी लोग एकत्रित हुए हैं और ऐसे शहीद के कार्यों को याद करने के लिए जो अपनी देश के सीमा पर अपने हम लोग जैसे के लिए रक्षा करते हुए हमारी वो शहीद होते हैं तो उन्हें नमन करने के लिए आज सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आज के शहीद राजेश साहू स्मारक समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उमेश साहू, नागपुर। शहीद राजेश साहू आज इनका स्मृति दिन का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया था। हम यहां के सभी लोगों ने, विशेषतः सोमारी क्वार्टर के सभी लोगों ने और ये स्मारक समिति के सभी पदाधिकारी ने यहां पर आदरांजलि और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सभी लोगों ने राजेश जी के जीवन के ऊपर में अपने विचार प्रकट किए। जिस प्रकार राजेश साहू अपने देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके विचार लोगों तक पहुंचाने के काम ये समिति के माध्यम से हो रहा है, उसके लिए मैं समिति के सभी जो पदाधिकारी उनका दिल से धन्यवाद मांगना चाहूँगा। NBC न्यूज़ के लिए अजित कुहर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।